ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा, महानगा में मालगाड़ी से टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस, कई बोगियां पटरी से उतरी। हादसे में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। खड़गपुर से रहा ट्रेन रवाना। रेस्टर्स विवाद पर कुरुक्षेत्र में खाप, महापंचायत में फैसला, 9 जून तक ब्रिजभूषण की हो गिरफ्तारी, नहीं तो जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। बैठक के बाद राकेश टिकैत ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा सरकार नहीं मानी तो पूरे देश में पंचायत करेंगे, पहलवानों के साथ गृहमंत्री से मुलाकात करेंगे। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेताया, कहा रेसलर से बात करके जल्दी लें एक्शन, नहीं तो हमारे ट्रैक्टर किराए के नहीं थे। राकेश टिकैत की लोगों से अपील, बेटियों के आंदोलन की करें तैयारी, ये सरकार सिर्फ समाज को बांटने में लगी है। बैठक के दौरान आपस में भिड़े थे खाप पंचायत के कई सदस्य, जमकर हुई हाथापाई। रेसलर्स के समर्थन में उतरी 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम, कहा पहलवानों के साथ जो हुआ वो दुखद। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर दर्ज 2 FIR में यौन शोषण का आरोप, दूसरी FIR में पॉक्सो के तहत FIR, छेड़छाड़ के 10 मामलों में FIR। अयोध्या में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जनचेतना महारैली को किया स्थगित, कहा सुरक्षा कारणों से 5 जून को होने वाली रैली स्थगित। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस का सरकार पर अटैक, पीएम मोदी की फोटो शेयर कर लिखा ब्रिजभूषण सिंह को कौन बचा रहा है। पहलवानों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा बेटियां लगा रही हैं गुहार, आरोपी सांसद पीएम की सुरक्षा कवच में महफूज। पहलवानों के प्रदर्शन पर प्रियंका के पीएम मोदी से सवाल, कहा आरोपी पर अभी तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई। पहलवानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, देश की परंपरा कानून व्यवस्था के तहत होते हैं फैसले। आगरा में 3 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक, कार्यकर्ताओं में एकजुटता के लिए बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा सपोर्ट। केंद्र के अध्यादेश पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, ये देश की ताकत पर बड़ा प्रहार, सिर्फ संघीय ढांचे की बात करती है केंद्र सरकार। सीएम हेमंत सोरेन से मिलने के बाद अध्यादेश पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, देश के संघीय सिद्धांतों की बात। अध्यादेश पर कांग्रेस को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस को तय करना है कि वो लोकतंत्र के साथ या पीएम मोदी के। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की मीटिंग में शामिल होंगे अखिलेश यादव, विपक्ष को एकजुट करने के लिए बैठक। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने की सीएम नीतीश की तारीफ, कहा विपक्षी एकता की कोशिश के लिए उनको देना चाहिए धन्यवाद। शरद पवार की सीएम शिंदे से मुलाकात पर बोले राउत, जनता की समस्या को लेकर सीएम से मिलने जाते हैं, इसमें नहीं होती है राजनीति। राजस्थान में पायलट समर्थक एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी का बयान, पायलट के हर फैसले के साथ खड़े, आलाकमान को जो करना है जल्दी करें। वॉशिंगटन में राहुल गांधी ने फिर किया बीजेपी पर अटैक, समाज में नफरत फैलाने का लगाया आरोप। संसद की सदस्यता जाने के सवाल पर बोले राहुल गांधी, मैंने संसद में अडानी के बारे में बोला, उसके बाद मेरी सदस्यता गई। राहुल गांधी ने कहा, आजाद भारत का मैं पहला शख्स जिसको मानहानि केस में मैक्सिमम पनिशमेंट मिला। राहुल गांधी ने विपक्ष की एकता के सवाल पर कहा, विपक्ष की दल पूरी तरह एकजुट, कई जगह समझौते की जरूरत, वो किया जाएगा। राहुल की बात पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जताई सहमति, कहा पूरा विपक्ष एकजुट है, 2024 में बीजेपी को हराएंगे। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले मुस्लिम लीग पर उनका बयान विरोधाभासी, अज्ञानता का परिचय। राहुल पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का अटैक, कहा राहुल ने जिन्ना की पार्टी को कहा धर्मनिरपेक्ष, जिसने देश का बंटवारा किया। मालवीय पर कांग्रेस का पलटवार, कहा उन्हें नहीं पता कोई फर्क जिन्ना की पार्टी से बीजेपी के पूर्वजों का गठबंधन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, बीजेपी को भारतीय राजनीति का ज्ञान नहीं, बीजेपी ने नागपुर निगम चुनाव में किया था अलायंस। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का पलटवार, कहा विदेश में देश की न्यायतंत्र पर सवाल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो। राहुल गांधी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, राहुल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है कहा। राहुल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अटैक, बोले विदेश में ऐसी बयानबाजी देश नहीं करेगा स्वीकार। राहुल पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का पलटवार, विदेशी धरती पर भारत का अपमान, वापस इसी धरती पर लौटना है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, राहुल को सत्ता हासिल करने की भूख, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहुल के बयान पर हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज का पलटवार, बोले राहुल चला रहे हैं हेट इंडिया कैंपेन, वो नफरत के सौदागर। राहुल के बयान पर मायावती का ट्वीट, दलितों मुस्लिमों की दशा पर दिया बयान कड़वी सच्चाई, कांग्रेस बीजेपी सरकारें जिम्मेदार। कल गोवा को मिलेगी पहली वंदे भारत की सौगात, करीब 8 घंटे में मुंबई से गोवा का सफर होगा पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। सूरीनाम और सर्बिया का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 4 जून से 9 जून तक का है प्रोग्राम। दिल्ली में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक की अध्यक्षता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, यूपीए सरकार की तुलना में रोजाना 3 गुना बिछाई जा रही है पटरी। अश्विनी वैष्णव ने देशवासियों को दिया भरोसा, वंदे भारत जून तक सारे राज्यों को कवर करने लगेगी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान, हमारी सरकार का फोकस सभी सेक्टरों पर है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी के अध्यक्ष के साथ की बैठक, यूजीसी रेगुलेशन 2023 जारी किया। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हुए शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद को दुनिया के लिए बताया खतरा, कहा सभी देशों को इसके खिलाफ उठाना चाहिए कदम। भारत ने फिर की यूएनएससी में सुधारों की वकालत, भारतीय राजदूत रुचिरा ने कहा मौजूदा संरचना नई ताकतों को नहीं उबरने देती। 4 जुलाई को एससीओ शिखर सम्मेलन वर्चुअली किया जाएगा आयोजित, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी जानकारी। कोची में नेवी एकेडमी के कैडेट से मिले नेवी चीफ हरि कुमार, भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग में शामिल है 55 कैडेट्स। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का दूसरा दिन कल भी रामलीला मैदान में होंगे प्रोग्राम।
राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में रामनामी समुदाय के लोगों ने लिया हिस्सा। इस समुदाय के पूरे शरीर पर राम लिखा होता है। महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे नेपाल के पीएम प्रचंड। भेंट की नेपाली रुद्राक्ष की माला और 51,000 रुपए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर बोले दिग्विजय सिंह, संविधान में हिंदू राष्ट्र की कोई गाथा नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री की बयानबाजी पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, 2024 चुनाव की वजह से वो ये सब कुछ बोल रहे हैं। काठगोदाम में बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, 9 साल में किसानों के लिए जो कुछ काम हुआ उससे किसानों को लाभ होगा। राजस्थान में 7 IAS और 30 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, 3 IPS और 2 IAS अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार। सरकार बनने के बाद कर्नाटक कैबिनेट की पहले बैठक। सीएम सिद्धारमैया ने कहा 5 गारंटियों को इस वित्त वर्ष में करेंगे लागू। 1 जुलाई में कर्नाटक में लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, पहले के बकाए को जमा करना होगा। कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला मुखिया को मिलेंगे 2,000 रुपए। जून 15 से 15 जुलाई तक एप्लीकेशन देना होगा। कर्नाटक कांग्रेस का कर्नाटक बीजेपी के नेताओं पर तंज, नाम लेकर गारंटियों का लाभ लेने को कहा। बीएस येदियुरप्पा से मिले कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, कर्नाटक में बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है नेता विपक्ष पर फैसला। तेलंगाना में प्रति व्यक्ति आय 3,17,000 रुपए है, किसी भी राज्य से ज्यादा आय, सीएम केसीआर ने दी इन्फॉर्मेशन। 1984 के सिख दंगा केस में जगदीश टाइटल को झटका, सप्लीमेंट्री चार्जशीट को मंजूरी, एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत, बीमार पत्नी से मिलने की मिली इजाजत, कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का मिला समय। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हत्या में इस्तेमाल चाकू हुआ बरामद। पुलिस ने दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 11 से चाकू किया बरामद, हत्या का आरोपी साहिल 2 दिन से पुलिस को कर रहा था गुमराह। दिल्ली के मोतीनगर में एसआई विक्रम पर चाकू से हमला, शख्स को रोकने पर किया वार, आरोपी को पकड़ने के लिए टीमों का गठन। दिल्ली के बदरपुर में बेखौफ बदमाश, मोहन बाबा नगर में एक शख्स को चाकू से गोदकर मार डाला। 9 दिन दिल्ली पुलिस की रिमांड में रहेगा संपत नेहरा, फिरौती के मामले में लॉरेंस बिश्नोई के सामने बिठाकर होगी पूछताछ। ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से रह रहे 16 अफ्रीकी गिरफ्तार, बिना पासपोर्ट वीजा के आए थे भारत, डिपोर्ट करने का काम शुरू। गाजियाबाद के भोजपुर में महिला पर कुल्हाड़ी से हमला, दहेज के लिए जान से मारने की कोशिश का आरोप, एफआईआर दर्ज। प्रयागराज में पूर्व विधायक विजय मिश्रा की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। दोनों की बीवियों के बीच तनातनी, प्रॉपर्टी को लेकर जैनब शाइस्ता में दरार। अशरफ के बाद भी गाजियाबाद के मुरादनगर में 50,000 का इनामी एनकाउंटर में ढेर, तो हत्याओं में वांछित था बदमाश मोनू चौधरी। हजारीबाग बंगाल के दिनहाटा में बीजेपी नेता प्रशांत रॉय की गोली मारकर हत्या, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। फाजिल्का में बीएसएफ और पंजाब पुलिस का एक्शन, घरों में चलाया तलाशी अभियान, हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध। तेलंगाना के खम्मम में 2 सड़क हादसे, नाबालिग समेत 5 लोगों की मौत, होनी जेरला हादसे में जारी। बेंगलुरु के बनेरघट्टा इलाके में बिना सिर पैर के एक महिला का शव मिला, हत्या का का किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच ने किया सरेंडर, अलग अलग जगहों पर पुलिस को 20 में हुई तेज बारिश। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का ट्वीट, नैब चेयरमैन के खिलाफ 15 अरब रुपए का मानहानि का मुकदमा, भेजा गया कानूनी नोटिस। 200 भारतीय मछुआरों और 3 कैदियों को रिहा करेगा पाकिस्तान, वाघा सीमा पर भारत को सौंपेगा भुट्टो जरदारी ने दी जानकारी। ट्विटर को टक्कर देने की कोशिश में मेटा, जून के अंत तक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कर सकती है लॉन्च। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया, 9 पैसे चढ़कर 82.31 रुपए पर हुआ बंद। शेयर मार्केट में उछाल, 118 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी में 46 अंकों की बढ़त की गई दर्ज। पीएम मोदी ने दी जूनियर मेंस हॉकी टीम को बधाई, ट्वीट कर लिखा एशिया कप जीतकर आपने भारत को किया गौरवान्वित। एफए कप के फाइनल में पहुंचेंगे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच फाइनल मैच। फिल्म जरा हटके जरा बच के आज हुई रिलीज, विक्की कौशल और सारा अली खान की मुख्य भूमिका। और ओटीटी के बाद थिएटर्स में रिलीज हुई मनोज वाजपेयी की फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है, मनोज वाजपेयी ने कहा भारी मांग के चलते फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।